necesito que lo pase. जैन समाज के तमाम रंगी पदाधिकारी कार्यालय के समाज के लिए आए थे। आज हम सभी लोग जैन समाज के धर्मावलंबी बंधु माताएं बहनें एक साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, जिसमें हमारे जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान अजित कुमार जी जैन बीडीवाले एवं अखिल भारतीय विनिश्चय ग्रुप के अध्यक्ष राजीव जैन जी सिर्स एवं हमारे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जी उपस्थित है। हम आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो हमारी मेडिकल क्षेत्र स्थित पहाड़ी पर श्री भगवान महावीर कर्णास्थली का मंदिर है, वहां पे कल रात 15 अगस्त की रात को 1 से 1.5 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने लगभग बहुत सारी सामग्री सहित हमारे आस्था के प्रतीक आराध्य भगवान महावीर स्वामी भगवान सिद्ध परमेश्वरी की प्रतिमा को चोरी किया है। इन घटना से आहत होकर जैन समाज के लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस बात का ज्ञापन दे रहे हैं, अति शीघ्र हमारे आस्था के प्रतीक भगवान की मूर्ति हमें वापस मिले, जिससे हम भगवान की पूजा अर्चना पुनः प्रारंभ कर सके। जैन धर्मावलंबी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है क्योंकि पूरी बेदी सुनी कर दी चोरों ने। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस चोरी का खुलासा हो, चोर सलाखों के पीछे जाए, गिरफ्तार हो और जैन समाज को न्याय मिले। असल में कल 15 अगस्त पे जहाँ पे सारे लोग देश स्वतंत्र होने की खुशी मना रहे थे, वहीं पे हमारा जैन समाज परेशान हालत में रात को घूम रहा था। और कल क्योंकि पुलिस प्रशासन सख्त होने की वजह से FIR तो कल ही हो गई, लेकिन हम लोग योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जिनके संरक्षण में वास्तव में आज का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आता है, वहाँ पे हम पूरे जैन समुदाय की तरफ से यह कहना चाहते हैं कि जे रिजल्ट भी हमें 24 घंटे के अंदर मिल जाए। इसीलिए हमारी सारी बहनें, हमारा जैन समाज का परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है कि जो भगवान की मूर्ति जिस आस्था में हम लोग जीते हैं या जो चांदी के बर्तन या वहाँ से जो भी चीजें गायब हुई हैं वो सारी हम लोग को वापसी चाहिए। और इसीलिए हम लोग DM कार्यालय में आज सारे लोग जैन समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। हम हमारे आस्था के प्रतीक हमारे भगवान की मूर्ति जो चोरी हुई है उसके लिए आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होने लगा है। पहले चोरी होती है, फिर हमें ज्ञापन देना पड़ता है, उसके पहले हम लोग जब अल्पसंख्यक है हमारे संरक्षण है तो हमें वो मिलना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए कि हमारे हर मंदिर में चोरी ना हो। लेकिन अब हुई है तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारे आस्था के प्रतीक हमारे देवाधिदेव को आप लोग ढूंढ के दे दें, उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारे सारे समाज के सब लोग आए हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसी फिर से पुनरावृत्ति ना हो। मैं अंजू जैन महिला जागृति मंच की अध्यक्ष हूं। हमारे करुआ जी ने मेडिकल कॉलेज के सामने एक हमारा तीर्थ स्थान है करुआ जी, वहीं पर एक पहाड़ी पर करुणा स्थली बना हुआ है, वहां पर महावीर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहां पर हम लोग का एक छोटा सा मंदिर ही बना रखा है जिसमें कई मूर्तियां विराजमान है। लेकिन 15 अगस्त की रात को 1.5 बजे करीब वहां पर चोरों ने आकर हमारी जैन धर्म की स्थान माने जो हम लोग तीर्थ स्थान पर 2 मूर्तियां कई छत्र और बहुत सारी सामग्री चोरी करके ले गए हैं। जी सबसे पहले तो मुझे ये बात अपने मामा के थ्रू पता चली और मुझे ये पता चला कि इससे पहले भी कई बार उस मंदिर पे हमारे तीर्थ क्षेत्र पर पहले भी चोरियां हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही था कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। पहली जिम्मेदारी तो हम समाज सेवियों की बनती है, हमारी समाज की बनती है। और मुझे वहाँ पे जानने को ये मिला कि वहाँ समाज के द्वारा इतना मतलब हमारे द्वारा लोगों के द्वारा इतनी जागरूकता नहीं थी कि वहाँ पहले जो सिक्योरिटी है वो पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो सबसे पहले हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। उसके बाद जब हम पुलिस कंप्लेन करते हैं तो एक बार पुलिस कंप्लेन करके छोड़ देते हैं, अगर हमारे घर पे चोरी हुई होती तो हम उसके बार बार जाते और पुलिस से पता करते। लेकिन यहाँ तो हमने एक बार चोरी की कंप्लेन की और उसके बाद शायद इंक्वायरी एक आध बार की होगी पर उतना जोर नहीं दिया। तो इस बार हम ज्ञापन लेकर आए हैं कि मुख्यमंत्री जी तक ये न्यूज़ जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आगे हमारा हम लोग आम लोग जो है वो भी जागरूक हो और इसके सिक्योरिटी पर्पस पे आगे वर्क करें। पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की भी बनती है और फिर आगे प्रशासन की। जय हिंद जय हिंद।